अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैरियत आफियत के साथ होंगे। तो आज का मज़ेदार व्लॉग शुरू करेंगे इस प्यारी सी धूप के साथ। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आया हुआ है। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9 का, तो अभी हम 10 हो रहे हैं, 10:15। तो आज थोड़ा लेट भी उठे हैं, यूनिवर्सिटी में क्लास भी थोड़ी लेट थी, तो फिर हम भी थोड़ा लेट जा रहे हैं। तो अभी जाएंगे, आपको भी दिखाते हुए जाएंगे कि भाई साहब क्या निज़ाम है। अभी हम यूनिवर्सिटी में पहुंच आए हैं अपने प्यारे प्यारे और चिकने चिकने भाइयों के साथ। अब्दुल्ला भाई काफ़ी दिनों बाद हमारे व्लॉग में आए हैं। हाँ भाई, एटीट्यूड बॉय, नो बात, ठीक है तनवीर भाई, क्या हाल है? अल्लाह करम, माहौल देखें यूनिवर्सिटी का, अच्छा जा रहा है, गर्म हुआ है हर तरफ। लोगों ने अपने ना जो दरख्त के नीचे बेंच लगे हुए हैं ना, वो अपने अपने पकड़े हुए हैं और वहाँ बैठे हैं। और इधर हमारा एक इधर हमारे लगी भाई जी है, लगी भाई आप भाई कैसे आ रहे हो जी भाई, ले जी भाई, कोई नहीं भाई, ये पता लगा कि रगीब भाई बैठे हैं यहाँ पे। सुनाए कैसे हैं तनवीर भैया? तो भाई डैशिंग मैशिंग तरीके से बैठे हैं। थैंक यू सो मच भाई, आप सुनाए कैसे हैं? आप भी भाई प्यारे हैं माशाल्लाह, क्या करें, अल्लाह आपको नज़रबद से बचाए। चले भाई, तो अभी थोड़ी देर इनके साथ ही बैठते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है तकरीबन 11 का, तो क्लास है जी 11:15। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्लास का, क्लास का टाइम हो जाए फिर आपसे मिलते हैं। क्या और थोड़ी देर बाद हमारे प्यारे से भाई जो है ना हनान भाई, वो भी आए हैं। हनान भाई तनवीर अब्बास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत तबीयत कैसी है? आज आप लेट क्यों आए हैं यार? कोई नहीं, बस आज आंख लेट खुली है तो लेट हो गया हूँ। आज गर्मी बहुत है यार। सही बात है, मैं भी सुबह सुबह उठा हूँ तो अच्छी खासी गर्मी। मैं थे पीछे जो नवे डिपार्टमेंट नहीं बनते थे, बाहर बैठा जी जी है नाल भाई तनवीर अब्बास साहब है, ठीक है भाई अरबाज भाई थे। अस्सलाम वालेकुम, वो मैंने आज मुबीन लोग पानी पीने गए थे, वो उधर गए उनके साथ है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम है अल्लाह पाक, आप सुनाएं। तबीयत सेहत आपकी करम, दुआएं आप ये और सुनाएं तबीयत कैसी है? अल्लाह करम। और आप ये बताएं कि आप ईद कैसी गुजरी है? ईद का ना आप आगे हमसे ईद मिली है ना कुछ, आज आप पकड़ाई आ गए हैं? बस गाँव गया हुआ था। अच्छा, वापस आया हूँ, कुछ मसले मसाइल थे। अच्छा, तो वो वीकेंड तो पिछला वीकेंड उधर ही रहा। मंडे को मैं आया था यूनिवर्सिटी में से, जुमरात बुध को खुल गई थी, मैं ट्यूसडे वाले दिन आया था, लेकिन वो वीकेंड भी मेरा मसरूफ ही रहा, पिंडी आना जाना रहा। अच्छा, तो बस अब आप फ्री हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हैं। आज आप हमें टाइम दें, हमारे ब्लॉग के साथ ये साथ है, हम आपके ब्लॉग के साथ है। और ये हमारे भाई मरी से हैं और आन शान जनवा पूरा मेरा इलाके है, मेरा तहसील का नाम बताए। आप मरी रख के हमारे इदारे को पीछे छोड़ रही है। अच्छा, बोले बोले पूरा अपना नाम बोले। मेरे इलाके का नाम तहसील लोरा है, आया है, जिला एपटाबाद है, हम हरीपुर में आते हैं। स्पेलिंग सुनाओ लोरा के, स्पेलिंग सुनाओ ना तहसील लोरा की, बहुत लंबी कहानी है। लोरा एक तुर्की जुबान का लाज है, आप तारीख पढ़े ना आपको पता लगेगा। एक वैसे लोरा के मैंने जंगलात, एक तुर्की जुबान का लाज है। अच्छा, मतलब आप छांगा मंगा के पास रहते हैं भाई, आपको मरी का पता है? आपको भी मरी के नहीं, मैं मलका को सार जाते रहते हैं, मरी का नहीं पता। जहाँ से गलियात शुरू होती है ना, गलियात उसी के साथ ये हमारा इलाका, तो ये संजानी टोल प्लाजा क्रॉस करें तो शुरू हो जाती है। देखे ना आप, ये लोग यहाँ से देखते हैं, इसी को कहते हैं गलियात है। आप हमारे इलाके में आए, ये जी लोरा से एपटाबाद, लोरा मैं सॉरी मरी बोल गया हूँ, लेकिन वो लोरा जो है वो में आता है, एपटाबाद की, एपटाबाद की तहसील एपटाबाद डिस्ट्रिक्ट सुबह के पीके है। चलो, हमें नहीं पता था लेकिन इन्होंने हमारी मालूमात में इजाफा किया, तो हाफिज़ भाई थैंक यू सो मच। तो अभी इनके साथ बैठ के गपशप लगाते हैं। बहुत शुक्रिया, आज आप कहीं नहीं जा रहे, यही बैठे हैं हमारी जब तक क्लास है। तो जी अभी हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हो गई है, अभी हम जा रहे हैं इन भूखे लोगों को, इसको और वो जो दो आगे जा रहे हैं, एक ये राणा जी जा रहे हैं, इनको आज जाके थोड़ा नाश्ता करवाती हैं, और मामू जी का नाश्ता करवाएंगे इनको जाके आज। ये देखें भूखे, वो तो भी आगे जा रहे हैं, अभी चलते हैं। ये भी जा रहा है, सुहेब भी है, बल्कि ये सुहेब भी जा रहे हैं, सुहेब और मैं सही, हम ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं क्योंकि हम सूरज हमारी सार पे है, तो कैमरा सही नहीं चल रहा भाई।
नहीं वाइट तो वैसे नहीं है, वैसे भी हमारी नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन ये है कि अभी अभी हम सही नहीं आ रहे हैं। क्यूट भी हैं तो अभी हम गेट के बाहर हैं। तू खुश रह, तू क्यूट है, तू सब कुछ है। हम भी हमारे साथ आ जा रहे हैं। अभी हम गेट से बाहर और यहाँ से घूम कर ये हमारा जो चिटी रोड वाला गेट है ना, वो ये वाला पुल भी दिखाओ, जहाज वाला पुल भी दिखाओ। अभी हम जाके यहाँ से बाहर निकलेंगे। 10 फुट लंबा हो सी, उसमें आए ना वजन भी हो सी तो अच्छा काम किया। हर किसी से दुआ सलाम होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो अभी हम गेट से बाहर निकल आए हैं, चिटी रोड पर पहुँच आए हैं। ये सेब का डाला क्यों है, पकड़िए ना हाथ पकड़ के। अभी हम जाएंगे वो आगे उधर मामू जी हैं, वहाँ पर जाके नाश्ता करती हैं, आपको भी फिर दिखाती हैं। चलो वहीं पर चलते हैं। टिकटॉक का चार्ट टिकटॉक तो नहीं यूट्यूब मामू जी के चने, मामा जी के चने, न्यारी। सुबह के नाश्ते में क्या क्या मिल सकते हैं यहाँ से? पाए है, न्यारी है, हलीम है, चने हैं, पराठे, ऑमलेट। कितने बजे सुबह खुलते हैं? सुबह 6 बजे और मान 4 बजे। ओके ओके ठीक है। तो जी नाश्ता हमारा आ गया, टाइम तो नहीं है नाश्ते वाला क्योंकि 1 बज गए, 12:30 बज गए, लेकिन फिर भी हम भाइयों के लिए साथ नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर आपसे मिलते हैं। ये टेस्ट तो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अभी जो इस भाई को देखे ना, ये भूख रहे भूख रहे बहुत ख़राब किया हुआ है इनको। अली भाई भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी आएंगे इधर जब भी आती हैं अली भाई, हमें पहले आके ऑर्डर लेती हैं और हमें थोड़ी सी हिम्मत करती हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह शुरू करते हैं, नाश्ते के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो जी खाना शाना हो गया, अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी। हाँ भाई मज़ा आया। और मामू जी को अल्लाह हाफिज़। ये कुछ हमारे भाई भी खड़े हैं, रगीब भाई वो पहुँचे हैं। इन्होंने मैं अहमदाबाद नाश्ता करने नहीं आना, माँ कहेंगे तो नाश्ता कराने बेल्टा मेरे लिए। इनके साथ यकी हो गई है, माँ से इसे कह के आई हैं कि यार हमें नाश्ता करवाएंगे, यहाँ पर लेके आए हैं तो इसी से ही पैसे ले लिए। तनवीर माँ है रसमें ना जाए, तू सैना बंदा है ना चले। अच्छा जी आज बहुत बड़ी रोटी खा दी है मैं, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमने बहुत ज़्यादा रोटी और विद छोलास अच्छी तरह खा के ठेठ ठेठ भर के अब हम यूनिवर्सिटी के जाए। पैसे सबसे निकलवाए मैंने, आज मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया। मैंने इन्हें बोलता रहा हूँ रोड असल में क्रॉस कर लें रोड, फिर आपसे बात करती हैं। इधर हमारी यूनिवर्सिटी का लोगों भी बिल्कुल आपके पैसों का खाने का ना मज़ा ही बहुत आया भाई, इनके साथ खाने का बहुत मज़ा आया। ये सामने मैं ये कह रहा था कि इन्हें मैं कहता रहा हूँ कि यार नहीं जाते, धूप भी बहुत ज़्यादा है, अभी नाश्ता करने का फ़ायदा भी नहीं है, तो बाद में कर लेंगे। थोड़ा लेट थी, लेट हो जाएंगे तो खाना शाना खा लेंगे कोई। ये कहती हैं नहीं कर रहे तो अभी नाश्ता करते हैं, ये करवाना है। इनका हाल पूछे ना, नहीं घर से पूछ के आते हैं, घर से पूछ के नहीं घर से आता है यूनिवर्सिटी के लिए, इधर आके नाश्ता करके तो घर से। रगीब भाई का बोल है। तो फिलहाल चलते हैं घर, और घर जा, घर नहीं यूनिवर्सिटी, सॉरी अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में चल के फिर क्लासेस वगैरह थोड़ी सी रह गई हैं वो लेती हैं, फिर आगे कोई और निज़ाम होगा तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4 का और हम जाने लगे हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई है क्योंकि सब देखें खाली हो गए। ये इधर राणा जी और अब्दुल्ला खड़ा है, पानी शानी पी रही है। हमारे छोटे भाई हैं अब्दुल्ला बिन अभी, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत इंटरटेन करते हैं हमें।
अभी हम जाने लगे हैं घर घर जाकर, फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, बाइक अभी निकालेंगे फिर घर जाके इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जी यूनिवर्सिटी के बाद वापस आई हैं, अभी पहुँचे लाइगली चौक, ये लाइगली चौक का पार्क है। तो अभी आए हैं इधर इस भाई के पास, यहाँ से गन्ने का रस पियेंगे। रगीब भाई वो बैठे हैं, आज रगीब भाई भी हमारे साथ हैं, आज इनको छोड़ना भी है हमने, ये आज हमारे साथ आए हैं क्योंकि खान जो है ना उसने कोई धरने वाला सिस्टम किया है, या और नहीं बल्कि खान जो है वो अरेस्ट हो गया है, तो जिस वजह से इनकी गाड़ी भी आज जल्दी निकल गई है और ये आज हमारे साथ जाएंगे। तो जाते हुए इसने कहा है कि यार आओ थोड़ा सा गन्ने का रस पीते हैं, चलो अभी इधर आए यहाँ से गन्ने का रस पीते हैं। नींबू भी डाले हैं, बन गया, अभी हमें गिलास देंगे, हम उधर चल के बैठ गए। तो यहाँ पर बैठ कर दो ठंडे गिलास मारते हैं भाई घर को जाए, अभी पीते हैं मिल्क शेक, मिल्क शेक क्या हो गया, गन्ने का रस, शुगर केन जिसे कहते हैं, पीछे से इसका सर्कल चेक कर। गधे का रस आ गया जी। तो रगीब भाई कुछ कहना भी चाहते हैं, आप भी क्या कहना भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि गर्मियों में शरबत में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला गन्ने का रस होता है, मशरूबात में से जो होता है ना गन्ने का रस सबसे ज़्यादा पिया जाता है गर्मियों में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी तो जी बहुत ये कह सकते हैं जैसे कौमी जूस समझ लें या कौमी शरबत समझ लें वो है। तो अभी ये पीती हैं फिर चलते हैं। तो जी अभी हम पहुंचे हैं सीमेंट फैक्ट्री, इनके एरिया में, इन्हें गुड बाय बोलेंगे। वैसे आप इसमें प्यारे लग रहे हैं, दाढ़ी से जब आपने साफ सफाई है, ये आपका नज़रों की मोहब्बत है जो आप हम आपको अच्छे लगे हैं, प्यारे लगे हैं। बाकी दुआ किया करें भाई के लिए, ठीक है, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। आप घर भाग गए हैं वापस, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। ये भी अभी घर जाने लगे हैं, हम भी अभी घर जाते हैं, घर जा कर फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ से सामने देखें व्यू कितना प्यारा आ रहा है, वो सामने पहाड़ी हो रही है, क्या बात। तो अभी चलते हैं घर, घर जा कर फिर आपसे मिलते हैं। तो जी रगीब भाई को अभी छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पर हुई है फाटक बंद, रगीब भाई के घर की तरफ आओ तो रास्ते में फाटक आती है, तो वो फाटक भी हुई है बंद, अभी जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक ये भी नहीं खुलेगी। देखते हैं आज कितनी देर ये फाटक बंद रहती है, अभी टाइम है तकरीबन 5 हो गई हैं, तो देखें अजान भी हो रही है, तो अजान भी हो जाए जब तक ट्रेन भी आती है, फाटक भी खुले, फिर मिलते हैं आपसे। ट्रेन गुजर गई है, अभी वो वहाँ से खोलेंगे, ये वाले भाई जा रहे हैं, ये वाले भाई वो अभी जा खोलेंगे तो फिर हम भी चलेंगे। ये रश भी काफ़ी सारा, ये भी है, वो भी खड़े हुए हैं, पीछे भी हमारे हैं, ये अभी जाएंगे तो फिर हम भी निकलेंगे। अभी वो आगे ये खोलेगा, गाड़ी आ गया। लो जी गाय वैसे भी आ गई, तो भी हम भी क्रॉस करते हैं फिर घर जाके आपसे मिलते हैं, आगे तो सारे ही आ गए।
वेलकम बैक विद एन बिग बिग गैप। तो वीडियो वगैरह एडिट कर रहे थे, वो पोस्ट की है। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:10 का। तो आज का व्लॉग यही पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़।